जन्म मनुष्य का दुर्लभ जानी, जो जन मुक्ति चाहवे। ममारु मोसम संतन संगे, परम मुक्ति को पावे। सरोवर जाते हुए रास्ते में नीलकंठ वर्णी पुण्यवंत तपोभूमि बद्री वन में आए। वहां असाधारण तपश्चर्या करने का संकल्प लेकर बद्री वन में अविरत 3 मास तक असाधारण तपश्चर्या करने के बाद भी नीलकंठ वर्णी और ऊपर मान सरोवर जाने के लिए उत्सुक थे और निश्चिंत थे। और यहाँ नीचे ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी चिंतित थे। पुजारी जी, ऐसा हिमप्रपात तो हर साल शीत ऋतु में होता रहता है, आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इस साल शीत ऋतु में एक नन्हा बालक मानसरोवर की ओर चल पड़ा है। हमें यहाँ इतनी संरक्षित जगह पर रहते हुए भी चिंता हो जाती है, तो उसे वहां कितनी चिंता होती होगी, कितना डर गया होगा वो, जिस भूमि पर शीत ऋतु में खड़ा रहना ही मुश्किल है, वहां अपनी यात्रा कैसे करता होगा वो। बर्फ के वीरान रेगिस्तान में केवल 11 साल का मासूम अकेला। रुके हुए रास्तों से भी मार्ग निकालकर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ रहे थे।
जहाँ ठंड से लड़ते लड़ते सूरज की किरणें भी हार जाती थीं, वैसे बर्फ के रेगिस्तान में सूरज से भी अधिक देदीप्यमान रहते हुए। सन 1793 की शीत ऋतु के प्रारंभ में नीलकंठ वर्णी ज्योतिर्मठ से बढ़ चले थे और शीत ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ उनके चरण और आगे बढ़ रहे थे भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर की ओर। Mm-hmm.